क्या तैयारियां की गई हैं और लोग यहाँ वॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं? अभी एवैक्यूएशन जोन से जितने लोग हैं, ये ले लो ना, गाड़ी के ले लो यार। एक्सक्लूजन जोन में जितने लोग हैं, मीडिया के अलावा जो आप लोग भी एक्सक्लूजन जोन के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं, अभी एक्सक्लूजन जोन के अंदर एक राउंड लगा के आया हूँ। मैक्सिमम लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया, एक स्वीप किया जा रहा है अभी पूरा। जितने लोग अभी यहाँ पार्क्स में, एक दो लोग वहाँ बैठे हैं, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। उसके बाद एक एएस चेक टीम आएगी, पूरा स्वीप करेगी। अभी बैरियर पॉइंट सब एक्टिवेट हो गया है, तो ट्रैफिक डाइवर्शन जो बिल्कुल एक्सक्लूजन जोन के आसपास ट्रैफिक डाइवर्शन शुरू हो गया है। ब्लास्ट टाइम 2:30 है, तो डेमोलिशन होगा उससे 15 मिनट पहले। नोएडा एक्सप्रेस वे को बंद किया जाएगा। सो इट्स नोएडा एक्सप्रेस वे को कितने देर के लिए बंद? 2:15 हम लोग बंद कराएंगे नोएडा एक्सप्रेस वे को। ब्लास्ट 2:30 पे जब होगा, उसके बाद डस्ट क्लाउड सेटल होने में 15-20 मिनट्स लगेगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली बाई 3 o'clock वी विल बी एबल टू क्लियर दी एक्सप्रेस, ओपन दी एक्सप्रेस वे। अभी फिलहाल सेंटर देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इसका रोल क्या है सर? हर इंसिडेंट को एक इंसिडेंट कमांडर होना चाहिए, जो 9/11 के बाद सब जगह इस तरह शुरू किया गया था। आज का इंसिडेंट को इंसिडेंट कमांडर मैं हूँ, आज डेजिग्नेटेड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस। और हमारा, मेरा साथ 5 इंसिडेंट सब कमांडर्स है। व्हेन ब्लास्ट इज अबाउट टू हैपन, आई विल गेट ओके सिग्नल फ्रॉम ऑल दी 5 इंसिडेंट सब कमांडर्स who are deployed at different places of the exclusion zone. Then I'll give the okay signal. Then I'll be the only person who will be present along with the blasting. Then I'll give the okay signal to them. Sir, ये बगल में कंट्रोल रूम खड़ा, ये क्या चीज़ है? इतनी मैंने सर। ये कंट्रोल रूम है, ये क्या चीज़ है सर? इससे क्या काम होगा? ये कंट्रोल रूम में हम लोग जो एक्सक्लूजन जोन में जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उन सबका सीसीटीवी फुटेज अभी दें यहाँ इस पे अवेलेबल करा रहे हैं। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक का एक पर्सन रहेंगे, जो परिचौक और महामाया के आसपास जो ट्रैफिक का फीड है उसके मॉनिटर करते रहेंगे, वो भी हमको इनपुट देते रहेंगे। साथ साथ एक हमारा एक इंसिडेंट सब कमांडर इसमें रहेंगे। ट्रैफिक का इश्यूज और एक्सक्लूजन जोन में कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई भी नहीं रहना चाहिए ब्लास्ट का पहले ही, तो उसको पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज का जो दिया गया है उसको देखते रहेंगे। तो ये एक ही इंस्टेंट कमांड सेंटर है, बट इंस्टेंट कमांड पोस्ट अभी एक अंदर हम लोग डिप्लॉय किए हैं, वो बाद में आपको मैं, क्योंकि आप अंदर नहीं आ पाएंगे, मैं वहाँ से एक वीडियो फुटेज करके आपको दे पाऊंगा। सर, कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं जो आपके साथ टच में रहेंगे, क्योंकि आप इंसिडेंट कमांडर हैं? कितनी फोर्स टोटल अगर देखी जाए यूपी पुलिस के अलावा और पार्लियामेंट्री फोर्सेज वगैरह की? जी, इंस्टेंट कमांडर मैं हूँ, तो इंस्टेंट सब कमांडर्स 5 लोग हैं। मैं, मेरा कांटेक्ट, फाइनल कांटेक्ट सिर्फ ये 5 लोगों से होगी। एनडीआरएफ का टीम स्टैंड बाय में रखा गया, तो वहाँ पे हमारा एक सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन पॉइंट के लिए आरटी सेट के साथ है, तो जब जरूरत पड़ेगी उनको बुलाया जाएगा। अदरवाइज 5 इंसिडेंट सब कमांडर से मैं फीडबैक ले लूंगा। सर, ग्राउंड पे कितने स्टाफ होगा? ग्राउंड स्टाफ की बात कर रहे हो? ग्राउंड पे सिविल पुलिस पर्सनल अराउंड 550-560 है, एंड इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिसमैन है और रिजर्व फोर्स हम लोग 100 से ज्यादा रखे हैं। QRTs 5 QRTs बने हुए हैं। सो आई थिंक वी आर रेडी फॉर सर यहाँ पर रोड के लिए आपने कितने कैमरे इंस्टॉल किए हैं जिसका पूरी निगाह रख रहे हैं? सीसीटीवी सभी 7 सीसीटीवी हम लोग लगे हुए हैं एक्सक्लूसिवली इन दी एक्सक्लूजन जोन 07 जो ट्विन टावर का सामने है, उसी रोड पे 3 है और बिल्कुल कार्नर पे 4 कैमरा, टोटल 7 कैमरा हम लोग डिप्लॉय किए हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक।